अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सो आप लोग सब खैरियत से हैं और माशाल्लाह हम लोग भी सब खैरियत से हैं। और आज जो रेसिपी हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है रशियन कबाब, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। ये वही रशियन कबाब है जिसकी कोटिंग सेवियाँ से होती है और ये बेसिकली शादियों में बनती है। तो चलिए रशियन कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग ले लेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन, और इस चिकन को अच्छे से हम लोग ने विनीगर के पानी में धो कर रख लिए थे। और अब ये चिकन को हम लोग को थोड़ा सा स्टर करना है जब तक इसका कलर हल्का सा वाइट ना हो जाए। देखिए अभी हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अभी नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग डाल देंगे एक चम्मच नमक। नमक आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो जितना आप खाते हो। और फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें डाल देंगे चार चम्मच अदरक लहसुन का मसाला। फिर इसके अंदर हम लोग डाल देंगे एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक मसाला क्यूब, कोई भी मसाला क्यूब जो भी कंपनी का आपको लेना हो। और इसको अच्छे से हम लोग स्टर कर लेंगे। इसको अच्छे से स्टर कर लेने के बाद चिकन अपना जूस ही रिलीज़ करेगा। और फिर उसके बाद हम लोग सिर्फ आधा कप ही पानी डाल के इसको विसल ले लेंगे। हम लोग कम से कम इसको तीन फास्ट और एक स्लो विसल ले लेंगे। मीनवाइल जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा था, अम्मू मुझे वेजिटेबल शॉप करके दे रही थी। वेजिटेबल्स में था कैरेट, कैप्सिकम, अदरक, लहसुन और मिर्ची। ये सब चीज़ों को हम लोग ने अच्छे से चॉप करके रख लिए थे। फिर फाइनली अभी हमारा प्रेशर कुकर भी ठंडा हो चुका है और देखिए बेहतरीन सा हमारा चिकन गल चुका है। उसका पानी भी पूरा अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। और अगर इनकेस अगर आपके चिकन में पानी रह जाए तो आप उसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर लीजिए। और जब ये चिकन ठंडा हो जाएगा तो इसको चॉपर में डाल के इसको अच्छे से चॉप कर लेना है। अभी नेक्स्ट करेंगे हम लोग वेजिटेबल टॉस करने की तैयारी। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम लोग ने एक चम्मच तेल ले लिए थे, उसके अंदर डाल दिए थे ये चॉप अदरक और लहसुन, और उसके अंदर डाल दिए थे हम लोग ने कुछ कड़ी पत्ते। एक मिनट इसको टॉस कर लेने के बाद हम लोग उसके अंदर डाल देंगे ग्रीन चिलीज़। ये 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ है। ये चिलीज़ आप अपने चॉइस के हिसाब से अप डाउन कर सकते हो जितना तेज़ आप खाते हो। फिर नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग डाल देंगे कैरेट। ये 2 बड़े कैरेट है और इसको हम लोग ने कैप्सिकम के मुकाबले में पहले डाल दिए थे क्योंकि शिमला मिर्ची के मुकाबले में ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। और ये सारा कुछ सॉटे हम लोग को हाई फ्लेम पे ही करना है। फिर नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्ची और फिर से उसको टॉस करेंगे। फिर हम लोग डाल देंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, कुछ मिक्स हर्ब्स और डाल देंगे उसमें फाइनली नमक एज़ पर योर चॉइस। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को अभी इसमें मिलानी है वो है हमारी बॉइल्ड चिकन जो हम लोग ने ग्रेट करके रख दिए थे। फाइनली हम लोग ने हमारे ये चिकन इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से अभी हम लोग टॉस कर लेंगे। बस ये अच्छे से टॉस जब हो जाएगा तो अभी हम लोग इसको निकाल देंगे एक प्लेट के अंदर और इसका रूम टेम्परेचर पे आने के लिए वेट करें। और अब फाइनली देखिए रशियन कबाब के सारी वेजिटेबल्स और चिकन को टॉस करके हो चुका है। और अभी नेक्स्ट करेंगे हम लोग सॉस बनाने की तैयारी। उसके लिए हम लोग ने पैन में ले लिए थे बटर। अब ये बटर के अंदर हम लोग डाल देंगे एक चम्मच ऑयल। ये ऑयल हम लोग इसके लिए डालते हैं ताकि बटर जले ना। और अभी हम लोग इंतज़ार करेंगे कि पूरा बटर मेल्ट हो जाए। जब ये बटर पूरा मेल्ट हो जाएगा हम लोग इसमें डाल देंगे 6 चम्मच मैदा जो टेबलस्पून है, और इसको हम लोग को अच्छे से चलाना है ताकि इसमें लम्स ना हो जाए। इसको अच्छे चलाते रहना है, सॉटे करना है, और बस यही ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए। अगर लम्स होगा तो आपकी रशियन कबाब बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो कंटिन्यू साइमल्टेनियसली हम लोग को इसको चलाते रहना है। फिर हम लोग इसके अंदर डाल देंगे दूध। ये कम से कम 400 ml दूध है। सबसे पहले हम लोग आधा दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो जाए। इसको अच्छे से चला लेने के बाद हम लोग जो बचा हुआ दूध है वो भी इसमें डाल देंगे। और अभी इसको फाइनली हम लोग और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसी तरीके से इसको कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना हो जाए। फिर फाइनली ये स्टेज पर हम लोग डाल देंगे चिली फ्लेक्स जो 1 चम्मच है, और डाल देंगे काली मिर्च पाउडर जो वो भी 1 चम्मच है, और उसके बाद हम लोग डाल देंगे मिक्स हर्ब्स। अगर आपको मिक्स हर्ब्स ना डालना हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। और फाइनली डाल देंगे उसमें नमक एज़ पर योर चॉइस। अभी इसको हम लोग अच्छे से चला लेंगे ताकि ये जो ग्रेवी का जो कच्चापन होता है मैदे का वो अच्छे से निकल जाए। बस फाइनली अभी हम लोग को ये पॉइंट के ऊपर हमारा ये जो है ये यानी रेडी हो चुका है। ये सॉस देखिए ऑटोमेटिकली पैन से छूट रहा है। अभी ये स्टेज के ऊपर हम लोग डाल देंगे इसके अंदर ये जो मिक्सचर हमारा जो तैयार हुआ था वेजिटेबल और चिकन का। अभी फाइनली हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको इतना अच्छा मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे।
चिकन की जो ग्रेवी थी या तो मिक्सचर था वो अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स हो जाए। और फाइनली देखिए हम लोग इसको रख देंगे एक स्टीम के लिए, यानी इसको हम लोग कवर करके रख लेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। फाइनली 2-3 मिनट के बाद देखिए ये बेहतरीन से हमारी ये जो रशियन कबाब का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अभी हम लोग निकाल लेंगे इसको एक प्लेट के अंदर ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए और रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा हम लोग इसको फ्रिज में डाल देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। अभी नेक्स्ट मम्मी रशियन कबाब बना रहे हैं, मम्मी मुझे हेल्प कर रहे हैं ताकि ये काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। और ये रशियन कबाब की जो साइज़ है और शेप है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। हम लोग ये साइज़ की रशियन कबाब बनाते हैं। और अब फाइनली हम लोग इसको करेंगे कोटिंग। कोटिंग के लिए हम लोग को चाहिए सेवियाँ, जो रोस्टेड सेवियाँ हैं उसको हम लोग ने अच्छे से क्रश कर लिए है। और हम लोग को चाहिए मैदे की लई यानी मैदे की स्लरी। देखो हम लोग को यही कंसिस्टेंसी चाहिए। नेक्स्ट अभी हमें रशियन कबाब को ये मैदे के मिक्सचर में डिप करना है और उसको अच्छे तरीके से ड्रेन कर लेना, यानी एक्स्ट्रा जो मैदा है वो अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाने के बाद उसको सेवियों में डाल देना है। अभी हम लोग को अच्छे से चारों तरफ से ये सेवियों को कबाब के ऊपर लगा लेना है ताकि कबाब जब फ्राई हो तो अच्छी लगे। देखिए इसी तरीके से अभी हम लोग नेक्स्ट कबाब भी लगा लेंगे। सबसे पहले उसको मैदे में डिप करेंगे और फिर फाइनली रोस्टेड सेवियों में डालकर उसको अच्छे से कोट कर लेंगे। और फाइनली हमारी सारी कबाबों को सेवियां लगा के रेडी हो चुकी है। और इसको आप जितना हो सके 2% मिलकर करेंगे तो सेवियां अच्छे तरीके से कोट हो जाएगी। और फिर फाइनली अभी हम लोग को रशियन कबाब तल लेना है। हम लोग ने एक कढ़ाई में तेल ले लिए थे, तेल को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसमें कबाब डाल दिए थे। कबाब डालने के बाद उसको फौरन ही उसको हिलाना नहीं है, कम से कम 2-3 मिनट का वेट करना है। और फिर जब नीचे का बेस थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा उसको टर्न कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम लोग को इसको टर्न कर लेना है और दूसरे साइड भी 1-2 मिनट के लिए कर लेना है हाई फ्लेम पे। और फाइनली हमारी रशियन कबाब रेडी हो चुकी है जो बहुत ही बेहतरीन बनी थी, लाजवाब बनी थी। आप लोग भी ट्राई करिए, अपने प्यारों को खिलाइए। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी रशियन कबाब की अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।